अच्छा गुड मॉर्निंग। चलिए पढ़ाई का समय शुरू हो गया, हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। कक्षा 12वीं का पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान, अध्याय 9 भारतीय राजनीति नए बदलाव। ये हमारी आखिरी इकाई है बच्चों, जो दूसरी किताब है कौन सी है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, जो दूसरी बुक है उसका आखिरी अध्याय, अध्याय 9 भारतीय राजनीति नए बदलाव। हम पढ़ते हैं अब अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय। इसके पहले क्या पढ़ा था हमने, कांग्रेस का पढ़ा था कि कांग्रेस कैसे सत्ता में आई थी, है ना, उसके बाद बीजेपी का। अब देखते हैं अन्य पिछड़े वर्ग का राजनीतिक उदय। इस अवधि का एक दूरगामी बदलाव था अन्य पिछड़े वर्ग का उदय। आप ओबीसी शब्द से ज्यादा परिचित होंगे, है ना। इससे विचार विवेचन की एक प्रशासनिक कोटि अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अदर बैकवर्ड क्लासेस का संकेत किया जाता है। अन्य पिछड़ा वर्गों क्या बोलते हैं, ओबीसी मतलब अदर, बी से बैकवर्ड, सी से कास्ट, और हिंदी में बोलते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से अलग एक कोटि है जिसमें शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की गणना की जाती है। इन समुदायों को पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति से जिनकी अलग गणना की जाती है उनको पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। पिछड़ी जातियों के अनेक तबके कांग्रेस से दूर होते जा रहे थे, उनमें कांग्रेस के लिए समर्थन भी कम होता जा रहा था, क्योंकि अन्य पिछड़े वर्ग का जो है कांग्रेस ने ही किया था कि केंद्र सरकार में जो नौकरी मिलेगी अन्य पिछड़े वर्गों को, उनको आरक्षण दिया जाएगा। ऐसे में गैर कांग्रेसी दलों के लिए एक जगह पैदा हो और इन दलों ने इन तबके का समर्थन हासिल किया। आपको याद होगा कि गैर सरकारी दलों के राजनीतिक अभ्युदय की अभिव्यक्ति 1977 की जनता पार्टी का 1977 की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने की सरकार के रूप में हुई। जनता के कई घटक मसलन भारतीय क्रांति दल और संयुक्त स्पेशलिस्ट पार्टी का ग्रामीण इलाकों में अन्य पिछड़े वर्ग में ताकतवर जो था उनका जनाधार था। अब है इसी के आगे पढ़ेंगे हम मंडल का लागू होना। मंडल का लागू होना तो क्या है, मंडल का लागू होना 1980 के दशक में का 1980 के दशक में अन्य पिछड़ा वर्गों के बीच लोकप्रिय ऐसे ही राजनीतिक समूहों को जनता दल ने एकजुट किया और राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया। मंडल आयोग यहीं से आरक्षण की शुरुआत हुई थी। इससे राजनीति को सुगठित करने में मदद भी मिली थी। नौकरी में आरक्षण के सवाल पर तीखे वाद विवाद हुए और इन विवादों से अन्य पिछड़ा वर्ग अपनी पहचान को लेकर ज्यादा सजग हो गया था। अपनी मांगों को लेकर ज्यादा सजग हो गया था। कौन, अन्य पिछड़ा वर्ग इस तबके को लामबंद करना चाहते थे और इन्हें फायदा हुआ। इस दौर में ऐसी अनेक पार्टियां आगे आईं जिन्होंने रोजगार और शिक्षा
शिक्षा के क्षेत्र में अन्य पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी पर भी सवाल उठाया और दलों का कहना था कि जो भारतीय समाज में अन्य पिछड़े वर्ग का एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है, इसे देखते हुए पिछड़े वर्गों का शासन में सुनिश्चित प्रतिनिधित्व और सत्ता में समुचित मौजूदगी तय करना किसका काम है, लोकतांत्रिक कदम होगा। और 1980 में ही दलितों के राजनीतिक संगठनों का भी उदय हुआ। 1978 में वॉमसेफ का गठन हुआ। यह सरकारी कर्मचारियों की कोई साधारण सा ट्रेड यूनियन नहीं था। इस संगठन ने बहुजन यानी अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक क्या करी, सत्ता की जबरदस्त तरफदारी करी और इसी का दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जिसने बाद में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। इस पार्टी की अगुवाई काशी राम ने करी थी। बहुजन समाज पार्टी जो बसपा, बहुजन सा से समाज, पासे पार्टी बसपा या बीएसपी क्या है, बहुजन समाज पार्टी एक छोटी पार्टी थी जब यह शुरुआत हुई, पर बाद में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दलित जो मतदाताओं का समर्थन मिला तो यह इसने सन 1991 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी सफलता हासिल करी। अब है धार्मिक सांप्रदायिकता, धर्म निरपेक्षता और लोकतंत्र। इस दौर में आया एक बहुत बड़ा बदलाव जो था धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति का उदय। इसने धर्म निरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में बहसों को गर्म किया। आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में शामिल हो गया था। जनता पार्टी के पतन और बिखराव के बाद भूतपूर्व जनसंघ के समर्थकों ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाई और भाजपा ने हिंदुत्व की राजनीति का रास्ता चुना। धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति का उदय हुआ। इसने धर्म निरपेक्षता और लोकतंत्र के बहसों को सरगर्म किया। बच्चों आपको पता है धर्म निरपेक्षता हमारे भारतीय संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है, जिसमें सभी धर्मों को मानने के लिए और उसके प्रचार प्रसार अपने धर्म के अनुसार तीज त्योहार मनाने का सभी को क्या है, अधिकार प्राप्त है। तो यह धर्म निरपेक्षता है, बहुत बड़ी हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। तो शुरू शुरू में भाजपा ने जनसंघ की उपेक्षा कहीं ज्यादा बड़ा राजनीतिक संघ अपनाया और गांधीवादी समाज को अपनी विचारधारा के रूप में स्वीकार किया और भाजपा को 1980 और 1984 के चुनावों में कुछ खास सफलता नहीं मिली थी। 1986 के बाद इस पार्टी ने अपनी विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर जोर देना शुरू कर दिया और भाजपा ने हिंदुत्व की राजनीति का रास्ता चुना। हिंदुत्व अथवा हिंदूपन, ये जो है हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द बी.डी. सावरकर ने गढ़ा था और इसको परिभाषित करते हुए उन्होंने इसे भारतीय राष्ट्र की बुनियाद बताया था। किसको भारतीय राष्ट्र की बुनियाद बताया था, हिंदुत्व और हिंदू जन शब्द को भारतीय राष्ट्र की बुनियाद बताया था बी.डी. सावरकर ने। उनका यह कहने का आशय था कि भारत राष्ट्र का नागरिक वही हो सकता है जो भारत भूमि को न सिर्फ पितृभूमि बल्कि अपनी पुण्य
समर्थकों का तर्क है कि मजबूत राष्ट्र सिर्फ एकीकृत राष्ट्रीय संस्कृति की बुनियाद पर ही बनाया जा सकता है, और वे यह भी मानते हैं कि भारत के संदर्भ में राष्ट्रीयता की बुनियाद केवल हिंदू संस्कृति की ही हो सकती है। और सन 1986 में दो बातें हुई जो एक हिंदुत्व पार्टी के रूप में भाजपा की राजनीति के लिहाज से प्रमुख और प्रधान हो गई। इसमें पहली बात 1985 में एक शाहर बानो मामले से जुड़ी है, और यह मामला एक 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाह बानो का था। उसने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए अदालत में अर्जी दायर करी, लेकिन सर्वोच्च अदालत में शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाया। पुरातनपंथी मुसलमानों ने अदालत के इस फैसले को अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना, और कुछ मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम सन 1986 में पास किया। इसी तरह दूसरी बात थी अयोध्या विवाद की, जो फरवरी 1986 में सुनाए गए फैसले के से है, और इस अदालत ने फैसला सुनाया था कि बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खोल दिया जाए ताकि हिंदू यहां आकर अपनी पूजा पाठ अपनी पूजा आराधना कर सके, क्योंकि वे इस जगह को पवित्र और पुण्य मानते हैं। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को लेकर दशकों से विवाद चलता आ रहा है, और बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में मीर बाकी ने ही करवाया था। भगवान राम, कुछ हिंदू क्या मानते हैं कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बने हुए इस राम मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर मस्जिद बनवाई गई थी। इस विवाद ने अदालती मुकदमे का रूप ले लिया और इसका मुकदमा कई सालों तक चला। फिर है इसके आगे देखते हैं एक नई सहमति का उदय। एक नई सहमति का उदय की 1989 के बाद की अवधि, कब की 1989 के बाद अवधि को कभी कभार कांग्रेस के पतन और भाजपा के अभ्युदय की अवधि भी कहा जाता है। यदि आप इस दौर की राजनीति के जटिल चरित्र को समझना कहते हैं तो आपको कांग्रेस और भाजपा की चुनावी हार जीत की तुलना करनी पड़ेगी, तभी आप कांग्रेस के पतन और भाजपा के उदय को समझ सकते हैं। इसमें 2004 के जो चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव हुए थे, इसमें कांग्रेस भी पूरे जोर के साथ गठबंधन में शामिल हुआ, और इस गठबंधन का नेतृत्व कर रहा था कांग्रेस। कांग्रेस का नेतृत्व के बाद 1991 के बाद इस पार्टी की सीटों की संख्या एक बार फिर बढ़ी, और 2004 के चुनावों में वोटों में इतना बड़ा अंतर कम था। इस तरह दलीय प्रणाली 70 के दशक की तुलना में एकदम ही बदल गई थी। अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच एक सहमति व्यापक है कि कई मुकाबले और बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकतर दलों के बीच सहमति उभरती जान पड़ रही है। 1990 के दशक से के बाद हमारे सामने जो राजनीतिक प्रक्रिया आकार ले रही है, उसमें मुख्य रूप से चार पार्टियों के विषय में हम पढ़ सकते हैं। पहले हम देखेंगे इसके पहले 2004 का, जो यह ग्राफ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कांग्रेस और भाजपा का चुनावी हार जीत बदलता हुआ परिदृश्य। इसमें जो भाजपा है ये लाल रंग से है, ये भाजपा, और ये स्तंभ या पिलर नीले रंग के दिख रहे हैं, वह है
को समझाने के लिए आप देखते हैं कि 1984 में जो थी वो पूरा क्या था, 415 सीटें किसकी थी, कांग्रेस की। नीला रंग क्या है, कांग्रेस का स्तंभ है या पिलर या कलर कह दे। 1984 में पूरे 415 450 सीटें थी, 450 सीटें में से 415 कांग्रेस ने ली। 1989 में यहाँ पर भाजपा भी आ गई 85 सीट। 91 में दोनों में थोड़ा अंतर था, 96 में भाजपा का ऊंचाई पर था और कांग्रेस की सत्ता नीचे थी। इस तरह इस ग्राफ में हम देखते हैं, आखिर में 2004 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 138 पर थी भाजपा और 145 पर थी सीटों पर थी कांग्रेस। इसी के तहत हम देखेंगे कि कुछ आम सहमति पर भी अधिकतर मसले कुछ जो थे, पहली नई आर्थिक नीति पर सहमति बनी, कई समूह नई आर्थिक नीति के खिलाफ थे, लेकिन ज्यादातर जो राजनीतिक दल थे इन नीतियों के पक्ष में थे और अधिकतर दलों का मानना था कि नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा और भारत विश्व की एक आर्थिक शक्ति बनेगा। दूसरा, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की संस्कृति जो राजनीतिक दलों ने पहचान लिया था, राजनीतिक दल यह भी सुनिश्चित करने के लिए तैयार थे कि अन्य पिछड़े वर्ग में को सत्ता में हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तीसरा, देश में शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति, प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल का एक भेद अब लगातार कम होता जा रहा था। इसमें एक अध्याय में देखा कि प्रांतीय दल केंद्र सरकार में साझेदार बन रहे, इन दलों ने पिछले 20 सालों में देश की राजनीति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर विचारधारा, चौथी विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर और विचार आधार सहमति के बगैर राजनीतिक गठजोड़ गठबंधन की राजनीति। इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में हिस्सेदारी की बातों पर जोर दे रहे थे और भाजपा दल के हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत नहीं थे, लेकिन ये दल भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हुए और सरकार बनाई जो 5 सालों तक चली। ये सभी महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो आगामी राजनीति इन्हीं बदलावों के दायरे में आकर हुई। भारत की राजनीति में इस अध्ययन से शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि कांग्रेस किस तरह एक प्रभावी पार्टी बनकर उभरी। इस स्थिति से चलकर अब हम एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचे जहां राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ज्यादा तेज हो गई और प्रतिस्पर्धी राजनीति के बीच मुख्य राजनीतिक दलों में कुछ एक मसलों पर सहमति है। हम विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक राजनीति जारी रहेगी और यह राजनीति इस अध्याय में वर्णित कुछ चीजों के बंधन के बीच आकार ग्रहण करेगी। इसी तरह लोग जाति, लिंग, वर्ग और क्षेत्र के संदर्भ में न्याय और लोकतंत्र के मुद्दे उठा रहे हैं। तो बच्चों, आज यह यहीं पर समाप्त होता है। आप इसको, ये सभी आपके पास किताब में भी दिया है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और नोट नहीं करना है, आपको याद भी करना है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि आप परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएं।